हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। तो हमारा सीए फाउंडेशन का लॉ का पेपर आप लोग देकर के आ चुके हैं। हाँ, इस थंबनेल पे मत जाइएगा, यानी थंबनेल जो मेन है उस पे जाइएगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर सॉल्यूशन प्रैक्टिकली बना तो दिया था बराबर, और प्लान भी पूरा यही था कि इसका सॉल्यूशन जो है वो जल्दी ही आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन 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 पेपर बहुत लेंदी था और आप लोगों के लगातार मैसेजेस भी मेरे पास में थे। कोई कह रहा था सर इसका ये आंसर है, कोई किसी का ये आंसर है, किसी का पेपर छूट गया है, लंबा चौड़ा पेपर है। तो अब मुझे लगा कि भाई अगर इसको सॉल्व करके डाल दिया गया तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि अलग अलग आंसर्स मेरे पास में कहीं कहीं कुछ कुछ के आए। अब कुछ ने बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस करके रखे हैं, मान लो उनका 70 नंबर का पेपर हुआ है, 80 नंबर का पेपर हुआ है, और उसमें भी अगर इस सॉल्यूशन से लगा कि भाई कुछ एक क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए हैं तो आगे के पेपर्स के ऊपर इसका बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो फाइनली भी डिसाइड किया, क्योंकि पेपर मैं सॉल्व करके रख चुका था यहाँ पे बराबर, बट उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं भाई, मुझे रुक जाना चाहिए और आपके एक बार एग्जाम्स हो जाएं, उसके बाद हम बहुत आराम से इस पूरे पेपर पर डिस्कशन भी कर लेंगे कि हाँ भाई क्या कुछ होना चाहिए था, क्या प्रॉपर तरीके से आंसर हमारे होने चाहिए थे। अब आप लोगों के फोन कॉल्स और मैसेजेस के ऊपर अगर बात करूं, पेपर को जस्ट एक छोटा सा वीडियो रिव्यू के लिए अगर बना दूं मैं, तो रिव्यू के अंदर यह है कि भाई पेपर लेंदी तो बहुत था। मुझे ध्यान में है कि कुछ टाइम पहले मुझे, मतलब 10-12 दिन पहले, कोई स्टूडेंट ने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज किया था और उसने कोई स्क्रीन साइट जो है मुझे भेजी थी, किसी का यूट्यूब वीडियो शेयर किया था। बोले सर यहाँ पेपर का पैटर्न इन्होंने बताया है कि भी पेपर पैटर्न जो है वो इस तरीके से आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन 7 मार्क का रहेगा, फिर 6 मार्क का रहेगा, एक क्वेश्चन पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का रहेगा, फिर कंपनी, फिर सोगा, ऐसा ऐसा एक उन्होंने मुझे बताया था। तो मुझे पता है कि मैंने उसको रिप्लाई के अंदर यही बोला था कि देखो भाई अब तक सिर्फ एक अटेम्प्ट हुआ है जून का नए कोर्स से, और इसके बाद ये सेकेंड अटेम्प्ट भी है। तो एट प्रेजेंट हम कुछ नहीं कह सकते कि ऐसे इसी पेपर पैटर्न को फॉलो करेगा, चेंज करेगा, क्या नहीं करेगा, तो भरोसे नहीं रहना है, आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है। और एग्जैक्टली आज के पेपर में भी बहुत कुछ ऐसा ही था, अनएक्सपेक्टेड चीजें थी, जहां मेरे ख्याल से अगर जितने क्वेश्चंस आपको करने थे, मींस एक चॉइस का क्वेश्चन है, उसके अलावा भी अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो लगभग 28-29 क्वेश्चंस वहां पे करने पड़ रहे थे, छोटे बड़े सब क्वेश्चंस मिला करके, है ना। तो मैंने जो काउंटिंग किया उसमें करीबन 28-29 क्वेश्चन जो है वो आपको करने पड़ रहे हैं, एक चॉइस का क्वेश्चन हटा दूं मैं अगर, तो इतने सारे क्वेश्चंस करना। अच्छा, फिर लॉ में सबसे बड़ी दिक्कत अपने साथ क्या होगी कि मैटर कितने पे सेट, खत्म कितने पे करना है, आता बहुत कुछ है ना। अब जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर लव और अफेक्शन का आ गया, टाइम बार डेप्थ का आ गया, तो आपके पास पॉइंट्स हैं, अब आपको लगता है यार छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, या कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, अब आपको लग रहा है कि सर इसमें आता बहुत कुछ है लेकिन मार्क्स 2 ही हैं, उस वक्त में उसको करना, क्योंकि मन कहता है कि आंसर पूरा पूरा लिखो यार, कहीं आता है तो फिर पूरा लिख ही दो, और उधर से हमारा टाइम कहता है कि भाई साहब पूरा कर दिया, अगर पूरा लिख दिया तो पेपर छूटेगा। तो भाई पेपर नो डाउट लेंदी है। अच्छा, लेवल की अगर बात करूं तो मैं एवरेज से थोड़ा सा ऊपर पेपर है, बहुत ज्यादा टफ पेपर भी नहीं बोलूंगा कि एकदम अनएक्सपेक्टेड सर ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी चीजें जो हमने कभी पढ़ी नहीं, हम तो बिल्कुल कर ही नहीं पाए, ऐसा भी नहीं है। और एकदम लो लेवल का था, इजी था, वो भी नहीं बोलूंगा। कुछ एक क्वेश्चंस बहुत बढ़िया ऐसे ने दिए हैं, बढ़िया तरीके से। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको लेकर के हो सकता है हम लोगों के आंसर में, कई सारी फैकल्टीज के आंसर में और आईसी के आंसर में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि भी हम ये समझ रहे हैं लेकिन वो उसको एक और तरीके से सॉल्व करके दे दे, ऐसा भी 1-2 क्वेश्चंस के अंदर मैंने देखा है। तो डिटेल में हम लोग एग्जाम के बाद में जरूर बात करेंगे। अब जिन लोगों ने भी पेपर जिनका छूटा है या जो कुछ भी हुआ है, देखिए अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी में आप लोगों को लगना है। पेपर नो डाउट अच्छा है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा भी मुझे कि सर एक दिक्कत, मेन परेशानी क्या लग रही है कि हमको लग रहा है कि सर क्वेश्चंस हमको आते नहीं फिर भी छूट गए। तो आज सॉल्व नहीं करने के पीछे एक रीजन ये भी है, मैंने सॉल्व किया हमको फिर लगेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो आता था और हम लोगों ने छोड़ दिया, इतना सा तो उसमें काम करना था हमको, क्या पता इतना कर लेते हम। तो इसीलिए फिर हम लोग, मैंने पर्सनली ये सोचा कि यार ये वीडियो जो है, जो सॉल्यूशन का मैंने बनाया है, उसको मैं आज अपलोड नहीं करूंगा, एग्जाम्स आप लोगों के हो जाए उसके बाद में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ताकि तब तक आप लोगों के व्हाट्सएप भी मेरे पास फिर ओपन रहेंगे कि जो भी व्हाट्सएप पर के आप उनसे पूछना चाह रहे हैं, किसी क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूजन हमको लग रहा है, तो वो भी हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर पाएंगे। चलिए, तो अब ये बस पेपर का रिव्यू था कि भी लेंदी है, उतना ज़्यादा ईजी नहीं, लेकिन एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, कई सारे बहुत ईजी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो ईजी क्वेश्चन से डायरेक्टली जो समझ में आते हैं। कुल मिला के ये सारा का सारा पेपर का रिव्यू था। और खैर, फिलहाल आप लोगों के पास में 2 पेपर और हैं, MCQ। अच्छा, अकाउंटेंसी मैंने सुना था कि बहुत ईजी था, अच्छा हुआ, सब लोगों के अच्छा हुआ। लॉ में
कई लोगों का पेपर छूटा है, कई लोगों के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई है, बट ठीक है, ओवरऑल किया है आप लोगों ने 70-80 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, आई थिंक हर जिसने पढ़ के जो गया उसे सबने किया है, कुछ कुछ ने 100 नंबर का भी अटेंड किया है। तो चलिए अब जो कुछ है उसको साइड में करिए, मैथ्स और इकोनॉमिक्स आपका जो दो पेपर बचे हुए हैं उनकी तैयारी में आप जबरदस्त तरीके से लगिए, और शानदार दो एमसीक्यू पेपर है उनमें बहुत बढ़िया आप मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो इसमें जो हुआ जैसा हुआ उसको साइड में करिए बराबर, और तैयारी में लगिए, बिल्कुल हम लास्ट आपके सारे पेपर हो जाए उसके बाद हम इस पर जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल इन सबको साइड करके और बस पढ़ाई के अंदर लगिए। चलिए फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, ऑल द बेस्ट।